हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास इलेवेंथ केमिस्ट्री एनसीईआरटी का फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके पिछले फोर्थ वीडियो में मैंने आपको फिजिकल मेजरमेंट जैसे वॉल्यूम है, टेम्परेचर है ना, ये सब बता दिया है, साथ में साइंटिफिक नोटेशन भी बता दिया है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब ये क्या है, देखिए हम पहले बात करेंगे किसी फिजिकल मेजरमेंट की। जब हम करते हैं, जैसे लंबाई नापते हैं या वजन नापते हैं, मास नापते हैं और उसकी एक वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रह जाती है। जैसे हमने कहा कि 9.2 ग्राम है और दूसरे ने कहा 9.21 ग्राम है, ऐसा तो कुछ अनसर्टेनिटी रह जाती है। तो उसमें हम कितने फिगर तक को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे और उसके बाद वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैव सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी associated with it because of limitations of measuring instrument and the skill of the person making the measurement। तो जो अनसर्टेनिटी रह जाती है, अनिश्चितता रह जाती है, वो या तो इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी रहती है या वो व्यक्ति जो काम कर रहा है, नाप रहा है, उसकी गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेंड यूजिंग ए प्लेटफॉर्म बैलेंस एंड इट कम्स आउट टू बी 9.4 ग्राम। देखिए, एक जो वेइंग मशीन होता है, बैलेंस होता है, रखा रहता है जो, उसमें हमने नापा, उसमें तौला, तो वो 9.4 ग्राम दिखाया। लेकिन जब इसी को एनालिटिकल में तौला, बैलेंस में, एनालिटिकल बैलेंस जो हमने इससे पहले वाले में एक फिगर देखा था बड़ा सा, है ना, जो लेबोरेटरी में रखा होता है इसे डिब्बे में, वो बैलेंस है, एनालिटिकल बैलेंस, जब उसमें उसका वजन तौला गया तो वो निकला 9.4213 ग्राम। देखिए यहाँ पर 9.4 निकला था और यहाँ पर है 9.4213 ग्राम निकला एनालिटिकल बैलेंस में, ठीक है। चार नंबर तक है आगे के पॉइंट के बाद। द मास ऑब्टेंड बाय एन एनालिटिकल बैलेंस इज स्लाइटली हायर देन द मास ऑब्टेंड बाय यूजिंग ए प्लेटफॉर्म बैलेंस। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 9.4 का मतलब हुआ 9.40, लेकिन यहाँ पर लिखा है 9.42, तो थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया। जो सिंपल प्लेटफॉर्म बैलेंस है, तराजू है, उससे हमने तौला, तो थोड़ा कम निकला, इसमें थोड़ा ज़्यादा निकला, ठीक है। डिजिट 4 प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल इन द मेजरमेंट बाय द प्लेटफॉर्म बैलेंस इज अनसर्टेन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, इसने कहा कि ये जो 9.4 लिखा है, इसमें जो 4 है, ये अनसर्टेन है। कब? जब हमने प्लेटफॉर्म बैलेंस से तौला। क्यों अनसर्टेन है? क्योंकि इसके बाद क्या है, जीरो है कि वन है कि टू है, ये नहीं बता पा रहा है, इसलिए फोर भी अनसर्टेन हो गया। उसमें कम ज़्यादा हो रहा है, देखिए जैसे 9.42 ग्राम हो गया, किसी और में तोलेंगे 9.43 हो सकता है, 41 हो सकता है, इसलिए 9.4 में जो 4 है वो अनसर्टेन है, ये लिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब देखिए कि जो अनसर्टेनिटी है उसको हम फिगर्स में कैसे दिखाएंगे, या सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम आगे समझने वाले हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी प्लस वन विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। तो देखिए, सिग्निफिकेंट जो फिगर है उसमें ये दोनों पार्ट आते हैं, जो सर्टेन नंबर है वो भी और अनसर्टेन नंबर है वो भी इसमें शामिल होते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू में। ऐसा नहीं है कि सिग्निफिकेंट वैल्यू में सिर्फ सर्टेन नंबर ही शामिल होंगे। जैसे मान लो हमने कहा 9.4, तो ऐसा नहीं है कि 4 हम इसमें इनसिग्निफिकेंट लिखेंगे, नहीं, वो भी सिग्निफिकेंट है। मतलब कि सर्टेन और अनसर्टेन दोनों नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इसमें कुछ रूल्स हैं, कौन कौन से हम लेंगे ये हम देखेंगे अभी। द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट नंबर सर्टेन अनसर्टेन दोनों डिजिट के लिखा जाता है। दस इफ यू राइट ए रिजल्ट एज 11.2 ml, वी से द 11 इज सर्टेन एंड 2 इज अनसर्टेन एंड द अनसर्टेनिटी वुड बी प्लस माइनस 1 इन द लास्ट डिजिट। आप ध्यान रखेंगे, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में हम जो लास्ट डिजिट लिखते हैं उसमें अनसर्टेनिटी होता ही है,
वो प्लस माइनस वन का मतलब है इससे एक ज्यादा भी हो सकता है, एक कम भी हो सकता है, यानी तीन भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो प्लस माइनस वन की अनसर्टेनिटी आखिरी डिजिट में, जैसे मान लो इसी को हम लिखते 11.23 लिख देते, तो थ्री जो है ये फोर भी हो सकता था और टू भी हो सकता था, तो लास्ट डिजिट में ही अनसर्टेनिटी ज्यादातर होती है और वो प्लस माइनस वन के साथ जुड़ी होती है अनसर्टेनिटी। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड एन अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस वन इन द लास्ट डिजिट इज ऑलवेज अंडरस्टूड, हम चाहे इसको लिखें या ना लिखें, है ना, अनलेस अदरवाइज, ठीक है, स्टेटेड, हम उसे बताएं या ना बताएं, ये अंडरस्टूड है कि जितना आपने रिजल्ट में फिगर दिया उस फिगर में प्लस माइनस वन का अनसर्टेनिटी होता ही है आखिरी फिगर में, ठीक है, लास्ट फिगर में। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब कैसे हम फिगर को सिग्निफिकेंट मानेंगे, कहां तक मानेंगे, इसके लिए कुछ रूल है बता रहा है। पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जिसमें जीरो नहीं लगा है, जीरो को छोड़ करके, मतलब जीरो जो है इनसिग्निफिकेंट हो सकता है, कहां कहां पर अभी देखेंगे, लेकिन जीरो के अलावा जितने भी फिगर्स हैं सभी सिग्निफिकेंट हैं। जैसे 285 सेंटीमीटर हमने लिखा तो इसमें तीनों जो है सिग्निफिकेंट है, तो देयर आर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स एन। अब यहां पर देखिए 0.25 लिखा है, तो इसमें सिर्फ ये दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये जीरो इसमें सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ दो ही हैं, तो जो जीरो के अलावा होते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। अब जीरो को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे इसको अब समझना है। देखिए अब जीरो कहां पर शामिल होगा नहीं होगा थोड़ा ठीक से समझेंगे ना, थोड़ा ध्यान देंगे। जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, समझ रहे हैं बात, कि मतलब वे सभी जीरो जो शुरू में लगे होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं। जैसे आप देखिए 0.03 लिखा है, तो इसमें पहला डिजिट कौन सा है जो जीरो को छोड़ के है, वो है तीन, ये पहला डिजिट है, तो इससे पहले के जितने भी जीरो हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो पहला नॉन जीरो फिगर जो रहेगा उसके पहले जितने जीरो लगे रहेंगे वो सभी इनसिग्निफिकेंट है, जिसमें इसमें जैसे कि पहला नॉन जीरो फिगर है थ्री, क्योंकि उसके पहले वाले सभी जीरो हैं, तो ये दोनों इनसिग्निफिकेंट हो गए, इसमें सिग्निफिकेंट सिर्फ तीन है। और वैसे ही यहां पर आप देखिए कि पांच पहला फिगर है जो नॉन जीरो है, इसके पहले जितने भी जीरो हैं वो इनसिग्निफिकेंट है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर इसमें दो हैं, पांच और दो, सिर्फ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, और उसमें एक ही है, तीन, इसमें दो हैं, पांच और दो, ऐसा है, ठीक है। तो ये जीरो जो है अगर पहले लगे हैं किसी भी में तो वो इनसिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। अब जीरो अगर बीच में लगे हैं, जैसे आप देखिए कि ये जीरो इसमें बीच में लगे हैं 2.005, तो इसमें एक दो तीन चार सभी इसमें सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है, क्योंकि ये जीरो बीच में लगे हैं, इसके पहले नॉन जीरो फिगर है, तो नॉन जीरो फिगर जहां से चालू हो जाता है, डिजिट चालू हो जाता है, वहां के बाद के सभी जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो 2.005 अगर हमने लिख दिया तो ये जीरो उसमें शामिल हो गया और ये चारों जो है सिग्निफिकेंट हो गए। चलिए, जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब देखिए, अब यहां पर देखिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद या किसी डिजिट के बाद जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट है लिख रहे हैं, अगर वो डेसिमल के बाद लगे हैं तो, ध्यान रखेंगे डेसिमल के बाद लगने वाले में सभी, ना जैसे ये डेसिमल लग गया इसके बाद 200 है, तो ये सभी तीनों जो हैं सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है, लेकिन अगर ये डेसिमल से पहले लगे हैं तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे देखिए, अगर हम लिखते हैं 100, तो इसमें ये दोनों जीरो जो हैं इनसिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद डेसिमल नहीं लगा है, लेकिन अगर हम इसके बाद डेसिमल लगा देते हैं तो ये तीनों ही सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अब दोनों में अंतर देखिए, इन दोनों की वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू भी 100 है, इसकी वैल्यू भी 100 है, लेकिन चूंकि इसमें हमने डेसिमल नहीं लगाया है इसलिए ये जीरो दोनों इनसिग्निफिकेंट हो गए, लेकिन इसमें हमने डेसिमल लगा दिया तो अब ये सिग्निफिकेंट हो गए, मतलब समझे आप क्या मतलब हुआ।
देखिए जैसे कि 100 हमने लिखा, तो हो सकता है इसके बाद एक और जीरो हो और एक और जीरो हो, ये भी तो हो सकता है, इसलिए ये दोनों जीरो इनसिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन अगर हमने 100 के बाद डेसिमल लगा दिया का मतलब ये फिक्स हो गया कि इतना ही है, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट हो गए कि अब ये 100 ही हो सकता है, ये 1000, 10000 या 10 नहीं हो सकता, वो 100 ही रहेगा, इसलिए तीनों सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, और अगर मान लो हमने 100.0 लगा दिया तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो लगा है तो सिग्निफिकेंट हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि 100.0 लिख दिया, इसका मतलब है कि ये 0.1 नहीं है, भले इसके बाद 1 लग सकता है या 2 लग सकता है, लेकिन इसके पहले कुछ नहीं लग सकता, मतलब ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया, वो अपना पोजीशन फिक्स कर लिया, ऐसा है। तो पॉइंट लग गया तो उसके पहले वाला जीरो, उसके बाद वाला जीरो, सभी सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर पॉइंट नहीं लगा है तो फिर ये जीरो इनसिग्निफिकेंट। इन तीनों को एग्जांपल को आप समझ लीजिए, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट है, इसमें दो सिग्निफिकेंट है, इसमें तीनों सिग्निफिकेंट है, इन तीनों को समझ लीजिए आप, इन तीनों की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में दूसरे तरीके से लिखते हैं। सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशंस, वी कैन एक्सप्रेस द नंबर 100। अब ये जो 100 है इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? तो इसको दिखाने के लिए देखिए 1×10^2 लिख सकते हैं अपन, है ना। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट वैल्यू है? सिर्फ एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, 1, एक ही, देयर इज सिंगल सिग्निफिकेंट वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, मान लो हम जो है 1.0×10^2 लिखे, तो अब इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 और 0। वैसे 1.00×10^2 लिख देंगे तो भी ये दो तीन सिग्निफिकेंट वैल्यू आ गए। तो पॉइंट अगर लगा देंगे ना तो पॉइंट के बाद वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर पॉइंट नहीं लगाएंगे तो उसके पहले वाले जीरो इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ये यहां पर आप देखिए इनसिग्निफिकेंट हो गया, इनको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल 2 balls or 20 eggs हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जीरोज आफ्टर प्लेसिंग ए डेसिमल दैट इज 2 = 2.0000 और 20 = 20.0000। ऐसा देखिए, अब ये क्या लिख रहा है, कैन बी रिटन है ना, ध्यान रखेंगे। जैसे आपने कहा कि 2 balls है या 20 eggs है, ठीक है, तो इनका कहना है अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो ऐसे आप कहोगे तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसमें सिर्फ दो सिग्निफिकेंट वैल्यू है, 2, देयर इज सिंगल एंड देयर आर डबल सिग्निफिकेंट वैल्यू, ऐसा आपको देखने से लग रहा है। लेकिन नहीं, इसके सिग्निफिकेंट वैल्यू इनफाइनाइट है, अनंत। कैसे है? क्योंकि अब देखिए, जैसे 2 है, 2 balls है, वो फिक्स है ना, 2 balls ही है, तो उसमें हम कैसे लिख सकते हैं 2.0 करके 2.10, 2, 3 जितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं अनंत तक। वैसे 20 में भी 20 many जीरोस बढ़ा सकते हैं, तब भी इनकी वैल्यू उतनी रहेगी, इसकी वैल्यू भी उतनी है, इसकी वैल्यू भी उतनी है, 20 है और ये 2 है। मतलब कि ऐसे में जब किसी चीज़ का नंबर फिक्स हो जाता है, कि आपने कहा 2 balls है, 10 balls है, 5 balls है, 25 balls है, या इस टाइप का कोई 10 pens है, तो फिर उसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू इनफाइनाइट हो जाते हैं। किसी संख्या, किसी चीज की संख्या को अगर आपने दिखा दिया तो फिर वो फिक्स हो गया कि वो उतनी ही संख्या में रहेंगे, इसलिए उसकी वैल्यू अनंत हो गई। अब उसकी वैल्यू आप नहीं बदल सकते, वो अनंत वैल्यू की हो गई, सिग्निफिकेंट वैल्यू। इन नंबर्स रिटेन इन साइंटिफिक नोटेशंस ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब देखिए, जैसे आपने कहा 4.01×10^2, ठीक, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें है 4, ये देख सकते हैं 8.256×10^-3, तो इसमें है 3 और इसमें है 4। अब देखिए कैसे 4 है, आपने यहां पर लिखा 4.01×10^2, अगर ये 10^2 को हटाएंगे तो क्या लिखाएगा पता है,
ये एक और एक दो पॉइंट हो जाएगा, तो ये 401 लिखा आएगा ये वाला, अगर इसको हटा दोगे तो। तो 401 में 401 में तीन सिग्निफिकेंट वैल्यू है, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसको अगर आप लिखना चाहोगे 10^-3 है, माइनस थ्री का मतलब क्या हुआ कि आप इधर लाए हो, तो 8256 है यहाँ पर पहले था, आप यहाँ पर लगा दिए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये ऐसा लिखाएगा। देखिए अगर आप इसको हटाना चाहोगे तो इसको लिखने के लिए 0.008256 लिखना पड़ेगा, 0.008256 ऐसा लिखना पड़ेगा इसको। अब इसमें भी गिन लीजिए, तो हमने कहा था ना कि डेसिमल के बाद पहला नॉन जीरो डिजिट रहेगा, वहां से सिग्निफिकेंट या शुरू होगा, ये दोनों इनसिग्निफिकेंट हो गए। तो अभी भी देखिए चार ही सिग्निफिकेंट है, यहां पर भी हमने कहा चार सिग्निफिकेंट है। तो आप चाहे उसको नोटेशन में लिखिए या नोटेशन के बिना लिखिए, सिग्निफिकेंट वैल्यू फिक्स रहेगी किसी भी चीज की। हाउएवर वन वुड ऑलवेज लाइक द रिजल्ट टू बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए कि जो रिजल्ट होना चाहिए वो शुद्ध और प्रिसाइज का मतलब शुद्ध, ठीक, एकदम अच्छा, और एक्यूरेट मतलब सटीक। तो एकदम सही रिजल्ट होना चाहिए और एकदम सटीक रिजल्ट होना चाहिए कोई भी, जब आप कोई भी चीज को मेजर करते हो तो। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर ऑफन रिफर्ड टू व्हाइल वी टॉक अबाउट द मेजरमेंट, ये दोनों चीजों हैं। इन दोनों चीजों का एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी चीज को प्रिसाइज और एक्यूरेट कहेंगे और किसी चीज को नहीं कहेंगे, उसका हम एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे। तो प्रिसाइज का मतलब यहां पर एकदम ठीक, और एक्यूरेट का मतलब एकदम सटीक, ठीक है, एकदम ठीक और सटीक रिजल्ट। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे इसको ना, थोड़ा समझेंगे अभी। प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। जैसे मान लो आपने कहा कि हमने 2 ग्राम लिया है, ठीक है, आपने कहा कि 2 ग्राम लिया है, एक ने उसको तौला, 3 बार तौला एक ही चीज को, तो एक बार मिला 1.99 ग्राम, दूसरे बार तौला तो 2 ग्राम, तीसरे बार तौला तो 2.1 ग्राम। ये 3 बार तौलने से जो 2 ग्राम दिया गया अमाउंट है, 1.992 और 2.1 ग्राम उसको मिला। तो ये तीनों जो है एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, आप देख सकते हैं। तो तीनों जो है ये प्रिसाइज रिजल्ट है, क्योंकि एवरेज निकालोगे तो करीब 2 ही आएगा इसका एवरेज, ठीक है। तो इसमें तीनों रिजल्ट में प्रिसीजन आपको देखने को मिल रही है और एक्यूरेसी भी देखने को मिल रही है। मान लो ये ऐसा रहता कि 3 बार जो निकाला, एक बार में 1.94 आता, दूसरे बार में 2 आता और तीसरे बार में 2.5 आता, समझ रहे हैं आप, 2.05 लिख दें तो ज़्यादा ठीक है, 2.0 या 2.01 लिख देते हैं, चलिए ऐसा आ गया मान लो, या 2.1 लिख देंगे, चलिए मैं इसको एक तरह से लिखता हूँ, 1.94 आया, 90 आया, 2 आया और 2.1 आया, ऐसा आया, 3 बार रिजल्ट आया। अब तीनों को देखिए, तीनों एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रिजल्ट दिख रहे हैं, देखिए। तो इसमें जो है प्रिसीजन नहीं है, मतलब क्लोजनेस नहीं है रिजल्ट में, और एक्यूरेसी भी नहीं है। हम अभी देखेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या अंतर है, एक ऐसे एग्जांपल भी हम देखेंगे। तो मैं अभी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही चीज़ का जब एक से ज़्यादा बार आप मेजरमेंट लेते हो तो हर बार जो मेजरमेंट का निकलता है रिजल्ट वो एक दूसरे के काफ़ी पास पास रहते हैं ना, तो फिर वो प्रिसीजन कहलाता है, वो प्रिसाइज कहलाता है, ठीक है। हाउएवर एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। जैसे आपने तौला और 2 ग्राम ही निकला, 2 ग्राम का चीज, तो एकदम एक्यूरेट निकला, ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ द ट्रू वैल्यू फॉर ए रिजल्ट इज 2 ग्राम, अब कोई चीज हमने 2 ग्राम दिया, ठीक है, 2 ग्राम हमको मालूम है कि 2 ग्राम एग्जैक्टली है, एंड स्टूडेंट ए टेक्स 2 मेजरमेंट्स एंड रिपोर्ट्स द रिजल्ट 1.95 ग्राम एंड 1.93 ग्राम, ठीक है। अब देखिए 1.95 और 1.93 एक दूसरे के काफी पास पास हैं, इसलिए दोनों रिजल्ट प्रिसाइज रिजल्ट हैं, बहुत पास पास रिजल्ट हैं दोनों, तो ये प्रिसाइज रिजल्ट हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं है,
क्योंकि एक्यूरेट है टू और इनसे दोनों ही काफी दूर हैं। अगर एवरेज निकालोगे दोनों ही काफी दूर हो गए, मतलब ये रिजल्ट प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। पहला स्टूडेंट ठीक, तो लिखा है देखिए, दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज एज दे आर क्लोज टू इच अदर बट आर नॉट एक्यूरेट, क्योंकि दो से काफी दूर हैं। पहला स्टूडेंट का प्रिसाइज निकला लेकिन एक्यूरेट नहीं निकला। अब दूसरा स्टूडेंट लेते हैं, एन अदर स्टूडेंट बी रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्टेन 1.94 एंड 2.05 ग्राम। अब देखिए, इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो करीब करीब ये 2.0 यानी 2 के आसपास आ रहा है एवरेज निकालोगे तो, लेकिन ये एक्यूरेट फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ना तो ये पास पास है ना एक्यूरेट है, क्योंकि 2.0 आना चाहिए एक्यूरेट वैल्यू, एवरेज निकालेंगे तो भी आना चाहिए, लेकिन एवरेज इतना दूर दूर का एवरेज नहीं निकालेंगे ना, गलत हो गया। तो ये दोनों रिजल्ट ना तो प्रिसाइज रिजल्ट है ना एक्यूरेट रिजल्ट है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों नहीं है इस स्टूडेंट का। ठीक है, दीज ऑब्जर्वेशंस आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। ठीक है, अब थर्ड स्टूडेंट सी रिपीट्स एंड फाउंड 2.01 एंड 1.99। देखिए, अब इन दोनों को देखिए, ये काफी पास पास रिजल्ट है तो यानी ये प्रिसाइज भी हो गए, और इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो 2 आएगा जो कि एग्जैक्ट वैल्यू मिला हमको, यानी कि ये एक्यूरेट भी है, तो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। दीज वैल्यूज आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, दीज कैन बी मोर क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल 1.4। ये देखिए, ठीक से समझ लीजिए इसको, स्टूडेंट ए निकाला 1.95 1.93, दोनों पास पास हैं इसलिए प्रिसाइज तो हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है, एवरेज इतना निकला इसलिए एक्यूरेट नहीं हुआ एवरेज, है ना। बी का देखिए, ये बहुत दूर दूर रिजल्ट है, मतलब प्रिसाइज तो है ही नहीं और एक्यूरेट भी नहीं, क्योंकि दो तो आया ही नहीं फिर भी। ठीक है, स्टूडेंट सी का देखिए, काफ़ी पास पास है यानी कि प्रिसाइज है और एक्यूरेट भी है, तो पहले वाले में प्रिसीजन है, दूसरे वाले में दोनों नहीं है, तीसरे वाले में दोनों है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रिसीजन और एक्यूरेसी, बहुत पास पास रिजल्ट है तो प्रिसाइज है, और जो एग्जैक्ट वैल्यू दी गई वही एग्जैक्ट वैल्यू आती है एवरेज, तो फिर वो एक्यूरेट भी है, नहीं तो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, जैसे आप इसमें देखिए, ये एक्यूरेट के बहुत पास हुए हैं लेकिन फिर भी एक्यूरेट नहीं माना हमने, लेकिन थर्ड वाला एकदम एक्यूरेट है। ठीक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जब हम जोड़ते हैं एक से ज़्यादा वैल्यूज को तो फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें हम कितने को सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर तीन वैल्यू देखिए, 12.11, 18.0, 1.012, इन तीनों को जोड़ा है इसने, ये थोड़ा सा दिखाया नहीं ठीक से, इन तीनों को जोड़ दिया इसने, जोड़ देने से 31.122 आया। अब देखिए, इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू हम कितना मानेंगे, तो इन तीनों जो फिगर हैं इसमें जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट वैल्यू है उसके बराबर मानेंगे। तो देखिए, इसमें सिग्निफिकेंट में 4 है, इसमें 3 है, मतलब आप इसको डेसिमल के बाद देखिए, डेसिमल के बाद 2 है, 1 है और 3 है, तो मिनिमम किसका है, 1 है, तो इसमें भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक फिगर को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, बाकी दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, तो एक्चुअली वैल्यू हो जाएगी 31.1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 18.0 वाले में जो है ये सिर्फ एक पॉइंट है डेसिमल के बाद, उतना ही सिग्निफिकेंट हम आखिरी में भी लेंगे, तो 31.1 इसकी वैल्यू आएगी इन तीनों को जोड़ने के बाद। ठीक है, ऐसा है, हियर 18.0 हैज ओनली वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड ओनली अप टू वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट विच इज 31.1, ये एक्चुअल रिजल्ट मिला हमको। ठीक है, अब है मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको देखते हैं। अभी तक आपने जोड़ा है, आप मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे और डिविजन भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि इन दीज ऑपरेशंस द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद इन नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहां पर 2.5 × 1.25 लिया, रिजल्ट आया 3.125 मल्टीप्लाई करने से। अब यहां पर आप देखिए कि इसमें दो सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसमें तीन सिग्निफिकेंट वैल्यू है फिगर्स है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें सिर्फ दो वाले को लेंगे अपन, तो रिजल्ट आ जाएगा 3.1। ये देखिए,
सिंस 2.5 हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स दस इट इज 3.1। तो जो मिनिमम संख्या वाला सिग्निफिकेंट वैल्यू वाले फिगर रहेंगे उतने के बराबर हम रिजल्ट को लेंगे, तो इसलिए 2.5 में दो है इसलिए आखिरी में भी सिर्फ हम दो लेंगे, हम ये चारों को नहीं लेंगे क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट तो चार वाले थे ना, ऐसा हुआ है ना। और वैसे ही अपन सब्सट्रैक्शन में भी करेंगे, जिसके साथ मिनिमम जुड़ा हुआ है उसी के साथ हम लेंगे उसके उतने वैल्यूज को, ठीक है। व्हाइल लिमिटिंग द रिजल्ट टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज डन इन द अबव मैथमेटिकल ऑपरेशंस वन हैज टू कीप इन द माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। देखिए अब यहां पर आप इसको देखिए थोड़ा सा, यहां पर हमने क्या लिखा, यहां पर हमने 3.125 को हमने 3.1 लिया है ना, क्या हम इसको 3.2 ले सकते थे या नहीं ले सकते थे, वो डिपेंड करेगा कि इसके बाद वाला क्या है, इसके बाद वाला क्या है उस पर डिपेंड करेगा। मान लो इसके बाद वाला 5 से ऊपर रहता यानी 6 रहता, तो इन दोनों को हटाते समय मान लो ये 6.5, मान लो ये ऐसा रहता 3.165 ऐसा रहता, तो चूंकि 1 के बाद वाला 6 है दैट इज मोर देन 5 इसलिए फिर फाइनली ये हो जाता 3.2 ऐसा हो जाता, ठीक है। और इससे कम है, अगर 5 से कम है, जैसे यहां पर 5 से कम था इसलिए हमने इसको 1 ही रखा, इसको नहीं बढ़ाया, ऐसा हुआ। और मान लो 5 रहता तो फिर ये इस बात पे निर्भर करेगा, मान लो जैसे ये रहता 3.155 ऐसा रहता तो हम बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, तो हम इसको बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो 1 है ये ऑड नंबर है इसलिए हम इसको 3.2 लिखेंगे। लेकिन मान लो यही रहता 3.255 तो हम इसको 3.2 ही लेते, 3.3 नहीं लेते, क्योंकि इवन नंबर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऑड नंबर रहेगा तो बढ़ा देंगे अगर उसके बाद वाला 5 है तो। फिर से एक बात समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं, जैसे 3.165 आया तो इन दोनों को हटाते समय चूंकि ये 6 जो है 5 से ऊपर है इसलिए 1 को 2 लिख दिया हमने, तो फाइनल हो गया 3.2, ठीक है। लेकिन अगर ये 5 से कम रहता, जैसे यहां पर 5 से कम है तो फिर ये 1 ही रहेगा इसलिए हमने 3.1 लिखा। मान लो 5 रहेगा तो जैसे 3.155 है तो यहां पर चूंकि 1 ऑड नंबर है तो फाइनली हम इसको इवन करने के लिए 2 ले लेंगे, और अगर ये ऑलरेडी इवन नंबर है तो हम इसको नहीं बढ़ाएंगे अगर उसके बाद वाला 5 है तो। 5 से ज्यादा है तो बढ़ा देंगे, 5 से कम है तो नहीं बढ़ाएंगे, 5 है तो तब बढ़ाएंगे जब वो ऑड नंबर रहेगा और नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे, इवन नंबर रहेगा तो नहीं बढ़ाएंगे। उसी सब चीज को आगे ये पूरा समझा रहा है, मैं फिर से आपको पढ़ के बता रहा हूं। देखिए इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, हटाने वाला डिजिट 5 से ज्यादा है, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो उससे पहले वाला एक बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि मान लो हम इसमें से 6 को हटाना चाहते हैं, तो 6 जो है 5 से ज्यादा है इसको हटाएंगे तो इसको 9 लिखेंगे, 8 को 9 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.39 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर वो 5 से कम रहता, जैसे कि यहां पर देखिए 4.334 लिखा है, इफ यू वांट टू रिमूव दिस 4 देन 3 शुड नॉट बी इंक्रीज्ड बिकॉज 4 इज लेस देन 5, तो हमको 3 को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम एज इट इज लिख लेंगे 4.33। अगर ये 6 रहता तो ये बढ़ा जाता, 6 नहीं है इसलिए नहीं बढ़ेगा। और जैसे कि 5 है, मान लो आखिरी वाला 5 रहता तो क्या होता, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5 तो क्या होता, तो ये होता कि अगर ये इवेन नंबर है तो ऑड नंबर है तो बढ़ा दिया जाएगा और इवेन कर दिया जाएगा, और इवेन नंबर है तो नहीं बढ़ाया जाएगा, मतलब एनी हाउ उसको इवेन कर देंगे अगर 5 है तो, हटाने वाला डिजिट 5 है तो उसके पहले वाले को इवेन कर देंगे, अगर ऑलरेडी है तो नहीं करेंगे, कुछ नहीं है तो इवेन कर देंगे, ऐसा है। देखिए इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज एन इवेन नंबर बट इट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज एन ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल इफ यहां पर देखिए 6.35 लिखा है, इसके 5 को हटाना है तो 5 से पहले वाला 3 ऑड नंबर है इसलिए इसको 4 लिख देंगे तो हो जाएगा 6.4, ये देखिए ठीक है, तो ये हो जाएगा
6.4 ये लिखा है। देखिए क्यों ऐसा हो 6.4, क्योंकि जो 5 को हटाए तो 5 से पहले वाला ऑड नंबर है, तो फिर ये बढ़ करके इवन नंबर करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा और उसको 4 करना पड़ा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए जैसे 6.25 है, यहाँ पर 5 को हटाएंगे तो उसके पहले वाला ऑलरेडी इवन नंबर है तो हम इसको नहीं बढ़ाएंगे और ये 6.2 ही रहेगा। ऑड नंबर है 5 से पहले वाला तो उसको बढ़ा देंगे, इवन नंबर है तो नहीं बढ़ाएंगे। इस एक विशेष पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, बाकी चीज आपको ऑटोमेटिक बन जाने वाला है, ठीक है। अब है डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, किसी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे नापेंगे, हम ये बात करेंगे इसमें। ऑफन व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर इज ए नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, जैसे हम इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, या फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा तो चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। द मेथड यूज टू एकम्प्लाइज दिस इज कॉल्ड फैक्टर लेबल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। तो इस काम को पूरा करने के लिए जो मेथड अपनाते हैं उसको तीन नामों से जानते हैं, फैक्टर लेबल मेथड, यूनिट फैक्टर लेबल मेथड, सॉरी यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। अब कैसे, देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, ए पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच, ठीक है, इंच को दिखाने के लिए IN लिख देते हैं तो इंच हो जाता है, जैसे सेंटीमीटर के लिए CM लिखते हैं, मीटर के लिए M लिखते हैं, वैसे इंच के लिए IN लिखते हैं। 3 इंच लंबा है, अब इसको सेंटीमीटर में, व्हाट विल बी लेंथ इन सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कैसे निकालेंगे, देखिए तो सॉल्यूशन में आप समझिए कि 1 इंच जो होता है वो 2.4 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इस बात को आपको पता होगा। 1 इंच इजकल टू 2.54 सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ कि 1 इंच और 2.54 सेंटीमीटर एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि अगर इस तरह से लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इंच को 1 इंच डिवाइडेड बाय 2.54 सेंटीमीटर, बोथ आर इक्वल सो रिजल्ट विल बी 1, या उल्टा कर देंगे तो भी रिजल्ट 1 आएगा, जैसे इसको इसको ऊपर इसको नीचे करेंगे तो भी, जैसे 2/2 इजकल टू 1, अब इसको ऊपर और इसको नीचे कर दोगे 2/2 कर दोगे तो भी 1, ऐसा ही है ना, ये इसका मतलब समझे बात को। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, अब एक दूसरे को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा ना, चाहे इसको ऊपर रखो किसको ऊपर रखो, समझिए। अब ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए ना, अब हमको क्या निकालना है, 3 इंच को सेंटीमीटर में निकालना है, किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। तो इन तीनों में से हम किस फार्मूले को यूज करेंगे, जिसके ऊपर यानी न्यूमरेटर जो है वो सेंटीमीटर लिखा होना चाहिए। देखिए जैसे इसमें न्यूमरेटर में इंच लिखा है, इसके न्यूमरेटर में सेंटीमीटर लिखा है, तो हम फार्मूले में लेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए 3 इंच इजकल टू 3 इंच इंटू 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच, ऐसा लिखेंगे अपन। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए उस फार्मूले में से हम इसको चुने हैं जिसके न्यूमरेटर में सेंटीमीटर लिखा है। अब ये देखिए ये 1 का तो मतलब है नहीं, ये इंच और इंच कट गया, समझ रहे हैं बात को, ये 1 का कोई मतलब नहीं है। तो अब इस 3 का इससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन और ये आ जाएगा आंसर। आप सीधे सीधे इसको निकाल सकते थे कि 1 इंच में 2.54 है तो 3 इंच में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैं आपको इतना लंबा चौड़ा क्यों बताया, क्योंकि इस मेथड को अपन यूनिट इसको फैक्टर लेवल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड कहते हैं, यूनिट। ये जो हमने लिखा ना ये यूनिट्स हैं, ठीक है, ऐसा है, तो उसी को हमने लिखा यहां पर, बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड यूनिट फैक्टर्स, जो हमने लिखा इधर यूनिट फैक्टर, ये दोनों यूनिट फैक्टर हैं, ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर यूनिट फैक्टर्स। इफ सम नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय दीज यूनिट फैक्टर्स दैट इज 1, इट विल नॉट बी अफेक्टेड अदरवाइज, से द 3 इंच गिवेन अबव इज मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट फैक्टर, सो ये देखिए उन दोनों में से एक यूनिट फैक्टर को लिए, किस यूनिट फैक्टर को लिए, देखिए फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये दोनों यूनिट फैक्टर है, ये भी यूनिट फैक्टर है, ये भी यूनिट फैक्टर है, इन्हीं में से किसी को लेके मल्टीप्लाई करना है, किसको लेंगे,
जिसमें हमको कन्वर्ट करना है वो न्यूमरेटर में लिखना होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम इसको लिए और लिख करके मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा आंसर आ गया। नाउ द यूनिट फैक्टर बाय विच मल्टीप्लीकेशन इज टू बी डन इज दैट यूनिट फैक्टर दिस इंच द एबव केस विच गिव्स द डिजायर्ड यूनिट्स दैट इज द न्यूमरेटर शुड हैव दैट पार्ट विच इज रिक्वायर्ड इन द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब इसमें यह लिखा है कि न्यूमरेटर में वो चीज होना चाहिए जो हमको चाहिए, तो न्यूमरेटर में ये लिखा है जो हमको चाहिए, क्योंकि हमको सेंटीमीटर चाहिए रिजल्ट में, इसलिए उसको लिया हमने। क्योंकि दूसरे वाले में, इस वाले में न्यूमरेटर में इंच लिखा है और हमको क्या चाहिए, सेंटीमीटर, इसलिए हमने इसको लिया। ये मैं आपको बताने के लिए इसको डिटेल बताया हूं थोड़ा सा। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड इन द एबव एग्जाम्पल दैट यूनिट्स कैन बी हैंडल्ड जस्ट लाइक अदर न्यूमेरिकल पार्ट, इट कैन बी कैंसिल्ड, डिवाइडेड, मल्टीप्लाइड, स्क्वायर्ड एटसेट्रा। लेट अस स्टडी वन मोर एग्जाम्पल। तो इसमें लिखा है कि यूनिट को जो लिखा है उसको भी काटा पीटा जा सकता है, जैसे हमने आप देखे यहां पर कि इंच और इंच को काट दिया हमने, है ना। वैसे मान लो सेंटीमीटर सेंटीमीटर या मीटर मीटर कहीं पर लिखा रहता तो हम उसको मल्टीप्लाई या उसको भी काट सकते थे, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मान लो ये इंच ऊपर लिखा रहता तो इंच इंच स्क्वायर हो जाता, तो सब चीजें यूनिट के साथ भी होगा, ये लिख रहा है ये। अब इसको देखिए, एक और एग्जाम्पल है। ए जग कंटेंस 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में निकालना है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था 1 लीटर का मतलब है 1000 ml, ठीक है, और 1 ml का मतलब होता है 1 cm³, तो ये हो गया 1000 cm³, ठीक, 1000 cm³ हो 1 लीटर। अब मीटर को आप देखिए, 1 मीटर का मतलब होता है 100 cm, ठीक है ना, 1 मीटर इक्वल टू 100 cm। तो 1 मीटर और 100 cm बराबर हैं, इन दोनों को ऊपर नीचे इस तरह से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और इसको ऊपर करके इसको नीचे करोगे तब भी 1 आएगा, तो ये दो यूनिट फैक्टर हमारे पास तैयार हो गए। देखिए, दो यूनिट फैक्टर तैयार हो गए। अब इसमें से एक यूनिट फैक्टर को लेकर के हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए थोड़ा सा और कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, क्यों, क्योंकि हमको मीटर क्यूब में निकालना है ना, इसलिए थोड़ा सा और कन्वर्शन चाहिए। इन दोनों को हम कन्वर्ट करके देखते हैं। देखिए, पहले इसको कन्वर्ट करिए। टू गेट एम क्यूब फ्रॉम द एबव यूनिट फैक्टर्स, द फर्स्ट यूनिट फैक्टर इज टेकन एंड इट इज क्यूब्ड। देखिए, पहले हम इसको लिए, हम इसको क्यूब कर दिए, 1 m³ इज डिवाइडेड बाय 100 cm, इसको होल क्यूब। तो अब देखिए, इसका क्यूब का मतलब तो 1 ही हुआ और इसका क्यूब का मतलब है क्यूब, तो ये हो गया 1 m³, है ना। नीचे को देखिए, ये 100 है, इसका क्यूब करेंगे तो 100 का क्यूब यानी 3 0 और बढ़ जाएगा तो टोटल हो जाएगा 6, है ना, ये 6 हो गया, क्योंकि ऐसा हो गया ना 100 × 100 × 100, इसका ये मतलब हुआ, ये वाले का तो 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 लिखा गया, समझ पाए ना। और सेंटीमीटर का भी क्यूब हो जाएगा, ये देखिए सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब चूंकि इसके बराबर जो था वो 1 था, तो इस 1 को भी क्यूब लिखेंगे, तो क्यूब का मतलब हो गया 1, तो इसका टोटल मतलब हुआ 1। देखिए, समझ पाए ना, हमने इसको क्यूब किया और इसको भी क्यूब किया, तो इसका जो क्यूब हुआ उसका रिजल्ट निकला ये, और इसको क्यूब किया उसका रिजल्ट निकला 1, तो इस टोटल का मतलब हुआ 1, ठीक। 1 m³ डिवाइडेड बाय 10^6 cm³ इक्वल टू 1, ठीक। अब देखिए, हमको 2 लीटर दिया गया था मिल्क, ठीक है, तो 2 लीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब हुआ, ये 2 × 1000 cm³, है ना। अब देखिए, अब जो हमारे पास एक यूनिट मिला है वो यूनिट ये मिला है, हमको मीटर क्यूब में निकालना है ना, तो मीटर क्यूब ऊपर में मिलना चाहिए हमको, तो ये मिल गया हमको, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक ही को किया हमने। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 × 1000 cm³ इंटू 1 m³ डिवाइडेड बाय 10^6 cm³ इक्वल टू, अब इक्वल टू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकला, देखिए कैसे निकलेगा रिजल्ट। तो इसका मतलब हुआ, ये 1 2 3 काट दीजिए, तो इसमें से 3 कट गया, तो ये बचा 3, ठीक। अब ये 2 बचा और ये 1 बचा, तो टोटल हो गया 2 m³ डिवाइडेड बाय 10^3, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब भी कट गया,
तो टोटल बचा 2 m³/10³। ये बचा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा 2 × 10⁻³ m³। ये इसका रिजल्ट आ गया। तो आपका जो 2 लीटर मिल्क था उसकी वैल्यू आई 2 × 10⁻³ m³। ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कैसे कैलकुलेट किया हमने। तो पहले हम एक यूनिट निकालते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ऐसा है। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान समझेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कमी है, उसको मैं बता दूंगा आपको क्या कमी है। हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 2 डेज, 2 दिनों में कितने सेकंड्स होते हैं, इसको निकालना है। ठीक है, तो हमको मालूम है 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक, तो 1 डे और 24 आवर दोनों बराबर है, इक्वल टू 1 डिवाइडेड किए तो, उल्टा कर दिए तो भी 1। ठीक, अब देखिए 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 आवर/60 मिनट = 1 या उल्टा करेंगे तो भी 1। और एक तीसरा चीज जो यहां पर नहीं दिया है, जो देना था 1 मिनट = 60 सेकंड, क्योंकि फाइनली आपको सेकंड निकालना है। आगे के कैलकुलेशन में लिया है उस चीज को, लेकिन यहां पर नहीं लिखा है। ऐसे यूनिट जैसे आपने यहां पर यूनिट निकाले ना, है ना, ये एक यूनिट निकला है ना, और ये एक यूनिट निकला, वैसे सेकंड के लिए भी यूनिट निकालना है। तो 1 मिनट = 60 सेकंड्स मतलब क्या कि 1 मिनट/60 सेकंड = 1 = 60 सेकंड/1 मिनट। ये तीसरा आपको यूनिट यहाँ पर यूनिट फैक्टर आपको निकालना था, जो कि नहीं निकाला है। तो आप इसको ठीक से देख लीजिए, आप अपने NCERT बुक में इसको ऐड कर लेना, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में लिया है। देखिए कैसे लिया है। अब 2 दिनों को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। 2 दिन है, 2 दिन में 24 घंटे हैं, तो घंटे वाले को ऊपर में लेंगे, इस वाले को ऊपर में ले लिए घंटे को, क्योंकि घंटे को मिनट में, फिर मिनट को सेकंड में निकालना है ना, तो सब ऊपर ऊपर में रहेंगे जो जो चीज़ है। तो ये घंटे वाला ऊपर में है, ये मिनट वाला ऊपर में है, और ये सेकंड वाला ऊपर में है। इन तीनों को लेना है अपने को, इन तीनों यूनिट को, तीनों को मल्टीप्लाई करना है 2 दिनों के साथ, क्योंकि 2 दिन को पहले घंटे में, फिर मिनट में, फिर सेकंड में कन्वर्ट किए हमने। तो 24, 60 और 60s है ना, ऐसा है। इन सब में आप देखिए कि ये डे कट गया, ठीक है, ये आवर कट गया, ठीक है, ये मिनट कट गया, ऐसा हो गया। तो टोटल आप गुणा कर दीजिए 2 × 24 × 60 × 60s, तो ये x आ गया। देखिए तो ये वाला जो था, ये वाला कहाँ दिया है बताइए, इसमें नहीं दिया था ना, उसी को मैंने एक्स्ट्रा लिखा है वहाँ पर, तो उसको आप लिख लेंगे अपने NCERT बुक में, ये कम दिया हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, और इसको अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पर स्टील कर लेना वीडियो को, और देख करके वहाँ पर लिख लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ें नीट में, जी में कहीं भी पूछ सकता है कोई भी एग्जाम्पल। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं कुछ यहाँ पर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, इसमें कौन कौन से नियम किन किन वैज्ञानिकों ने दिया है, इसको अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉज। देखिए जैसे एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लो आपने H2O कहा या C6H12O6 कहा, ये सब कंपाउंड है। तो कंपाउंड कैसे बने हैं, तो ये जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाए हैं। तो इनके मिलके कंपाउंड बनाने के लिए कुछ नियम कानून वहाँ पर लागू होते हैं, उन्हीं नियम कानूनों को, उन्हीं रूल्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहली लॉ है ये, एंटोइन लेवोजियर ने दिया था। इन्होंने कहा कि कभी भी किसी भी कंपाउंड का मास कंजर्व रहता है, न तो कम होता है न ज़्यादा होता है। देखिए कैसे है ना, ये दिस लॉ वॉज पुट फॉरवर्ड बाय एंटोइन लेवोजियर इन 1789। देखिए कितना पहले दिया हुआ है। ही परफॉर्म्ड केयरफुल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज फॉर कंब्यूशन रिएक्शंस एंड रिस्ड टू द कंक्लूशन दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब क्या कहा कि उन्होंने बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं, उनको जलाया, और जलाने के बाद जो जो चीज़ बना,
जलाने से क्या बन सकता है, कुछ गैस निकल सकते हैं और कुछ दूसरे कंपाउंड मिल सकते हैं, जैसे कि राख मिल सकता है आपको, ऐश है ना, ऐसी चीज़ें। तो जो गैस निकला, जो राख बची, उन सबको इकट्ठा किया उसने, गैस को उड़ने नहीं दिया। तो इधर का मास और उधर का मास जब कैलकुलेट किया तो दोनों बराबर निकला, दोनों की वैल्यू सेम निकली, ठीक है। तो इसको कहा इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हेंस ही रीच्ड टू द कंक्लूशन दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि मैटर जो है एक से दूसरे में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि देखिए, मान लो आप ग्लूकोज को C6H12O6 लिए, इसको आपने 6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने रेस्पायरेशन कराया और इससे बना 6CO2 प्लस 6H2O, ये बना। तो इनका आप गिन लीजिए मॉलिक्यूलर मास कितना है और इनका गिन लीजिए मॉलिक्यूलर मास कितना है, दोनों का बराबर मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ इससे थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हुई है, कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि एक से दूसरे रूपों में बदलने पर, जलाने पर या किसी भी चीज़ तरीके से, जो मैटर है उसकी मास कम ज़्यादा नहीं होती। हाँ, थोड़ी बहुत जो कम ज़्यादा होती है, कम होती है, वो एनर्जी के फॉर्म में निकलती है। जो एनर्जी निकलती है वो मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो वो एनर्जी के रूप में मिल जाती है हमको, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिल जाती है, ठीक है। तो मैटर जो है न कभी डिस्ट्रॉय होती है न कभी बनती है, वो जितनी है उतनी रहती है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ फॉर्म्ड द बेसिस फॉर सेवरल लेटर डेवलपमेंट्स इन द केमिस्ट्री। तो बहुत सारे और चीज़ों को हमने डिस्कवर किया बाद में केमिस्ट्री में इन्हीं लॉस के जरिए। इनफैक्ट दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड केयरफुली प्लान्ड एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय द लेवोजियर। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल बात ये थी कि जो रिएक्टेंट था उसको तो आप तोल सकते थे, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें गैस है और गैस निकल जा रहा है, तो उसको रोकना, उसको इकट्ठा करना और उसको फिर कैलकुलेट करना, उसका मास कैलकुलेट करना, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसके लिए लेवोजियर ने काफ़ी प्लान किया एक्सपेरिमेंट के लिए, और प्लान्ड एक्सपेरिमेंट के जरिए ही इन्होंने ये सब चीज़ों को कैलकुलेट किया, इसलिए आज हम उनका नाम यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। ये जोसेफ प्राउस्ट ने इसको दिया था, ठीक है। डेफिनाइट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनका रेशियो बराबर रहेगा। जैसे मान लो H2O आप कहते हो, तो हाइड्रोजन इसमें दो है, ऑक्सीजन एक है, तो H2O आप कहीं से ले लो, चाहे वो समुद्र से ले लो, नदी से ले लो, तालाब से ले लो, जमीन से ले लो, कहीं से भी पानी लोगे, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है या कोई भी कंपाउंड है जिसके जो भी एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो हमेशा एक जैसा रहेगा। मतलब पानी कहीं से भी लेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2.1 ही रहेगा। वैसे कोई भी कंपाउंड आप लीजिए, उसके जो एलिमेंट्स जिस रेशियो में है, जैसे मान लो C6H12O6 आप कहते हो, तो कार्बन इसमें 6 है और हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, मतलब 1:1 का रेशियो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। तो ग्लूकोज आप कहीं से ले लीजिए, चाहे वो हमारे ब्लड से ले लीजिए, किसी फ्रूट से ले लीजिए, गन्ने से ले लीजिए, शहद से ले लीजिए, कहीं से भी आप ग्लूकोज लीजिए, उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 ही रहेगा। तो इस टाइप के जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। दिस लॉ वॉज गिवन बाय ए फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। थोड़ा नाम याद रखेंगे कौन किसने दिया। ही स्टेटेड दैट ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शंस ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। तो हमेशा एक ही प्रोपोर्शन में मिलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, प्राउस्ट वर्क्ड विथ 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3। ये हो गया क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्योंकि यहां पर कार्बोनेट में 2 माइनस होता है और कॉपर में 2 प्लस होता है, तो कॉपर का 2 प्लस क्यूप्रिक कहलाता है, कॉपर का एक ही प्लस ये क्यूप्रस कहलाता है। क्यूप्रस कार्बोनेट नहीं बनता है, क्यूप्रिक कार्बोनेट। हाँ, क्यूप्रस कार्बोनेट एक कंडीशन बन सकता है, Cu2CO3 बनेगा, तब ये क्यूप्रस कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। लेकिन CuCO3 है तो ये क्यूप्रिक कार्बोनेट है, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉपर है ना, तो दोनों सिंगल सिंगल प्लस प्लस रहेंगे, दोनों डबल माइनस के साथ बैलेंस करेंगे,
तब ये क्यूप्रिक कार्बोनेट बन सकता है, लेकिन हम क्यूप्रस कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। इन्होंने जो काम किया वो क्यूप्रिक कार्बोनेट पे काम किया इन्होंने, ठीक है। वन ऑफ विच वॉज नेचुरली ओरिजिन ऑफ नेचुरल ओरिजिन एंड अदर वॉज सिंथेटिक। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट दो लिया, एक बनाया हुआ और एक पहले से बना हुआ, मतलब नेचुरली। ही फाउंड दैट द कंपाउंड द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट वॉज सेम फॉर बोथ द सैंपल्स एज शोन बिलो। तो अब यहां पर देखिए कैसा हुआ, ये हुआ क्यूप्रिक कार्बोनेट, ठीक है। तो इनका रेशियो देखिए, नेचुरल सैंपल और सिंथेटिक सैंपल में कॉपर कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंट 51.35, 9.74, 38.91 ये दोनों में सेम है देखिए। तो रेशियो जो होता है, चाहे आप कहीं से भी ले लीजिए, किसी भी कंपाउंड को कहीं से भी लीजिए, उसके कई सैंपल लीजिए, सब में उनके एलिमेंट्स का रेशियो बराबर रहता है। ये मैंने आपको एग्जांपल भी और भी बताया, और यहाँ पर प्राउस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो भी मैंने आपको बताया, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए। दस ही कंक्लूडेड दैट रेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टूगेदर इन द सेम प्रपोर्शन बाय मास। तो मास में वो सेम प्रपोर्शन में रहेंगे, जैसे पानी में H2O में 2:1 है, और वैसे आपने ग्लूकोज में देखा 1:1 का रेशियो है। द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ हैज बीन कंफर्म्ड बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, इट इज समटाइम्स आल्सो रिफर्ड टू एज लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन, ठीक है। तो डेफिनाइट कंपोजिशन भी कहते हैं, और ये जो लॉ है डेफिनाइट प्रपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम से, डेफिनाइट कंपोजिशन, डेफिनाइट प्रपोर्शन, दोनों नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। मल्टीपल प्रपोर्शन कैसे, जब कोई एलिमेंट का एक निश्चित प्रपोर्शन दूसरे एलिमेंट के अलग अलग प्रपोर्शन से रिएक्ट करता है, तो उसी को कहते हैं मल्टीपल प्रपोर्शंस। जैसे देखिए यहां पर आप समझ लीजिए, दो एग्जांपल आप समझिए, फिर मैं इसको पढ़ाऊंगा भी आपको। दो एग्जांपल समझिए, एक वाटर है H2O और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इन दोनों एग्जांपल को आप समझिए, ठीक है। H2O में हाइड्रोजन, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 ग्राम है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम रहता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम हुआ, ऑक्सीजन का 16 ग्राम रहता है तो 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 2 ग्राम के साथ 16 ग्राम है, तो 2:16 है यहाँ पर रेशियो ना, ग्राम के हिसाब से। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 के साथ 32 जुड़ा है, ठीक है। तो टोटल ये 18 ग्राम हो गया और ये 34 ग्राम हो गया। तो ये है मल्टीपल प्रपोर्शन का लॉ, है ना, कि मतलब एक जो एलिमेंट है उसका फिक्स अमाउंट, जैसे कि फिक्स मास, जैसे कि हाइड्रोजन का 2 ग्राम, दोनों में ये 2 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 16 ग्राम और 32 ग्राम दोनों से कॉम्बिनेशन करके वाटर और हाइड्रोजन बना सकता है। तो मल्टीपल प्रपोर्शन मिल सकते हैं अलग अलग कंपाउंड में, वो कंपाउंड अलग अलग रहेंगे। दिस लॉ वॉज प्रपोज बाय डाल्टन इन 1803। According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number. ठीक है, तो small whole number कैसा, यहाँ पर 1 है तो 2 है तो 3 है तो 4 है, ऐसा है ना, ऐसा whole number में रहेंगे। For example, यहाँ पर hydrogen peroxide का मैंने आपको बता ही दिया। Here the masses of oxygen that is 16 and 32 grams which combine with a fixed mass of hydrogen that is 2 gram sample, तो ये bears a simple ratio 16:32 or 1:2, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। अब बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ, ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है ना, तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है। उसके बाद एवोगाड्रो भी पढ़ेंगे अपन, एवोगाड्रो लॉ, है ना, ये सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स पसंद भी आ रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे, और अगर ऐसा है और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल और आपको अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है, तो कृपया मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, डेली वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिस मिल जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, थैंक यू, बाय।